पक्का बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं और उसके सामने मतलब कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। आप कोई मतलब गेम नहीं खेल रहे हो कि जिसकी वजह से आप अग्निवीर जैसी स्कीम के अंदर में थोड़ा सा उसके लिए आप विचार विमर्श कीजिए। 1,080 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं सर। 80 करोड़ अनाज जिन लोगों को मिल रहा है वो एक्चुअल में जिनको मिलना चाहिए उसके पास तो पहुँचता नहीं है। नरेंद्र मोदी गृह मंत्री गुजरात से और सब गुजराती लोग हैं, लेकिन आप भी गुजरात से। जी सर, तो आप क्यों परेशान हैं? हम इसलिए परेशान हैं मतलब हमारा एक संगठन जो है वो एक्चुअल में हमारे जो वीर नारी और हमारे जो माजी सैनिक मतलब है जिनको एक्चुअल में उनके हक या उनके लिए मतलब हमेशा परेशान होना पड़ता है। तो आज हमारा जो आरोपी है उसके लिए हम दिल्ली में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं निमावा जितेंद्र सर जो गुजरात माजी सैनिक संगठन है उसके नेतृत्व में हम यहाँ पर आए ओआरओपी के लिए आए हैं। इसमें हमारा मेन मुद्दा ये था कि जो ओआरओपी दिया जा रहा है वो आरोपी में मतलब 80-20 का डिफरेंस रखा गया है, यानी 3% लोगों को लाभ मिल रहा है, 97% लोगों को नहीं। मतलब उसमें यह है कि जो पेमेंट मिल मतलब वो आरोपी में जो डिफरेंस है वो अफसरों को मतलब जो मिल रहा है उसके हिसाब से मतलब जवानों को। मैम आप गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या देश को मजबूत नहीं किया? पक्का किया है। हाँ हाँ, उसके लिए हमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन अभी जो मतलब बात है वो जो हक और मतलब अपने लड़ाई की बात है तो उसमें जो मतलब एक्चुअल में माजी सैनिक अपनी जॉब करके अपने मतलब वतन या सेना मजबूत हुई है इनके नेतृत्व में। पक्का? हाँ। मतलब सेना मजबूत हुई है उसमें कार्यरत लोग कौन है? उसमें जो कार्यरत लोग है वो हमारे जवान है। तो उन जवानों को ही आप अगर पेमेंट नहीं दिया जा रहा है वो रोड रोड पे भटक रहे हैं, जैसे वीर नारी है उनके बच्चे जैसे शहीद होने के बाद में उनको कोई मतलब पेमेंट नहीं मिलता है। हाँ। उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए वगैरह वो अभी इतने सालों के बाद में अपने गांव। अग्निवीर योजना आ चुकी है, बहुत ज्यादा इसका प्रमोशन भी किया जा रहा है। अग्निवीर अभी क्या है कि उन्होंने जो लॉन्च किया है उसको मार्केट में आने दो, क्योंकि एक मतलब जो अग्निवीर में आप जिनको मतलब कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कहने वाली बात यह है कि जब आप एक 4 साल के बच्चे को तैयार करने के बाद में अगर मतलब उसको कहीं पे भी और जगह पे करा रहे हो तो जब आपको ज़रूरत होगी तब उन लोगों को जिन्होंने आपने इतने सालों तक तैयार किया हुआ है क्या आपको उसमें और उसमें डिफरेंस नहीं लगेगा कि भाई एक बंदा जो है वो 4 साल का सर्विस करने के बाद में आप उसको सरहद पे भेज रहे हो तो वो क्या उसके लिए सक्षम है कि नहीं है? आपके देश का सवाल है। आप कोई मतलब गेम नहीं खेल रहे हो कि जिसकी वजह से आप अग्निवीर जैसी स्कीम के अंदर में थोड़ा सा उसके लिए आप विचार विमर्श कीजिए और उसको थोड़ा तो क्या फिर से इसमें विचार करने की जरूरत है अभी? जी पक्का। देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी महंगाई क्या है? देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई दोनों ही है। लेकिन महंगाई के साथ साथ में कुछ ऐसे मतलब प्रावधान भी किए जाए कि जिसमें उनको मतलब अपना घर परिवार चलाने में आसानी हो। सिलेंडर के दाम क्या बढ़े हैं? पक्का बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं और उसके सामने मतलब कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि जिसकी वजह से अगर सिलेंडर का पैसा किसी नॉर्मल महिलाओं को निकालना है तो वो कहाँ से उसका मतलब तैयारी करेंगे? तो एक तरफ तो आप प्रधानमंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ बेरोजगारी महंगाई भी बढ़ रही है। पक्का? तो ये कैसे है? वो सरकार जिसकी व्यक्ति है वो मतलब ये तो है नहीं कि वो भगवान है। हाँ। या मतलब है वो भी अपना कुछ ना कुछ मतलब वो करने के बाद में अपना भी कुछ व्यवस्था करते हैं। उनको पता है कि मौका मिला हुआ है तो हम भी कुछ मतलब अपना बंदोबस्त करें, इसलिए महंगाई रोजगारी तो सरकार किसी की भी बनेगी लेकिन अभी मतलब ये खत्म नहीं होगी। हाँ नहीं होगी, ये कभी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं खत्म होगी। लेकिन ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जैसे मतलब अगर सरकार लेकर बैठे हैं तो देश में चाहे कोई माने नहीं माने, लेकिन मैं अपना पर्सनल मतलब व्यू देखती हूँ कि ये पक्का है कि इंडिया के बाहर हमारी बोलबाला जरूर है। इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर में तो प्रश्न जो है वो उसको वो सॉर्ट आउट करे, यही मेरी उनकी प्रार्थना है। 1,080 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं सर। 80 करोड़ अनाज जिन लोगों को मिल रहा है वो एक्चुअल में जिनको मिलना चाहिए उसके पास तो पहुंचता नहीं है, और वो जो बिन जरूरी लोग हैं जिनके खाते में चले जाते हैं तो उसके लिए मतलब उनको कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। ये तो भ्रष्टाचार हुआ आप कह रही हैं। नहीं मैं भ्रष्टाचार से नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रहा है। हाँ, मेरा ये कहना है कि एक्चुअल में जिसको जरूरत है
उसके लिए मतलब कुछ ऐसा आपका टीम होना चाहिए कि सच में उसको जरूरत है कि नहीं, उसके अंदर में मतलब कोई कास्ट या किसी का प्रावधान नहीं होना चाहिए, न किसी मतलब जातिवाद कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। ये होना चाहिए कि सच में उसके घर में अगर कोई कमाने वाला बंदा नहीं है या उसकी परिस्थिति इतनी खराब है कि जिसमें वो अपना गृह संसार चलाने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। तो ये प्रावधान उस तक पहुँचने चाहिए, ये नहीं कि मतलब जिसको जरूरत नहीं है उसके। राहुल कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री अगली बार, वो तो कभी बनने वाला कोई संजोगी नहीं बनता है, वो चाहे कितना भी सर पटक ले।